एक ऐसा प्रोजेक्ट आपकी नजर से गुजरता है जिसको देखते ही आप कहते हैं कि यही वो प्रोजेक्ट है अच्छा ये दो तरीको से होता है एक आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि यू गेट टू तो अंडरस्टैंड अ प्रोजेक्ट ब्रीफ कंप्लीटली बट जस्ट ओवर व्यूइंग द प्रोजेक्ट और बी यू गो थ्रू प्रोजेक्ट विच सीम्स टू हैव अ हाई प्राइस वैल्यू हर प्रोजेक्ट टिपिकली अपनी प्राइस वैल्यू देता है चाहे जो मर्जी फ्रीलांस मार्केट प्लेस हो चाहे वो अपवक हो चाहे वो फ्री हो चाहे वो गुरु डॉट कॉम हो वो अपनी प्रोजेक्ट रेंज दे देता है अब अंदाज़ा लगाइए अगर एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस वैल्यू है एक हज़ार डॉलर से ज़्यादा आपकी जो भी स्किल सेट है मुबारक हो मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूँ कि एक हज़ार डॉलर से ज़्यादा तो मैं क्या करता होता हूँ मैं जब उस एक हज़ार डॉलर के प्रोजेक्ट को देखता हूँ मेरे फ़ौर अलार्म खड़े हो जाते हैं कि हाम तुमने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने हैं यानी कि इस प्रोजेक्ट पर प्रीमियम बेड लगानी है हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस आपको ये ऑप्शन देती है टू पुट योर प्रीमियम बिड प्रीमियम बिड से होता क्या है प्रीमियम बिड से होता ये है स्क्रीन देखिएगा कि मेरी बिड ऑल ऑफ अ सडन उठ के सबसे ऊपर चली गई क्योंकि उस पर मैंने पैसे लगाए हुए थे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बिड अब बिडिंग कैसे होगी वो आप जान जाएंगे लेकिन यहाँ पर यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि किस प्रोजेक्ट पे प्रीमियम बिड करनी चाहिए वो वही प्रोजेक्ट है जिसका ब्रीफ आपके स्किल सेट से रेजोनेट करे और दूसरी बात जिसकी प्राइस वैल्यू अच्छी हो अरे प्राइस वैल्यू अच्छी है तो आप उस डील को जाने देंगे हाथ से अगर आप इन पर्सन मीटिंग करें तो यू विल डू एवरीथिंग यू बेस्ट पॉसिबिली कैन स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी गुड ड्रेस कमिंग आउट ऑफ अ वेरी गुड कार जस्ट टू ग्रैब अ बिजनेस डील दे से मनी अट्रैक्ट्स मनी राइट इन दिस केस प्रीमियम बिड से मनी अट्रैक्ट्स मनी यू आर पुटिंग मनी टू स्टे ऑन अ टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट सो वेन एज एन एम्प्लॉयर सोमन गोस टू द बेड आपकी बेड सबसे ऊपर है अभी नहीं वो पांच दिन बाद भी आएगा तब भी आपकी बेड ऊपर ही होगी ये कैसे होगा जब आप अपनी बेड पे थोड़े पैसे लगाएंगे प्रीमियम बेड की इम्पोर्टेंस हाई प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा होती है और एम्प्लॉयर भी इस बात को समझता है कि हाँ अगर इस फ्री ने प्रीमियम बेड की है इसका मतलब इसके बाद पैसा भी है और इसके अंदर अर्ज भी है मेरा प्रोजेक्ट लेने की जब भी तो इसने प्रीमियम बेड की है हमारे यहाँ गुरु में क्या होता है प्रीमियम बेड करने के साथ एक और प्रिविलेज मिल जाता है जनाब कि आप प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड भी खोल लेते हैं एक प्रोजेक्ट की वर्थ है एक हजार डॉलर मैंने उस पर प्रीमियम बेड कर ली प्रीमियम बेड करने के साथ जो मुझे एडेड एडवांटेज मिलेगा प्रीमियम बेड का वैसे बाय द वे मतलब हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस का वेरी करता है बट गुरु में क्या होता है तीन बेड्स कॉस्ट होती हैं यानी एक प्रोजेक्ट पर जब आप बिड करते हैं तो एक बिड कॉस्ट होती है लेकिन जब आप प्रीमियम बिड करने जा रहे होते तो तीन प्रोजेक्ट्स की तीन बिड्स की प्राइस आपको देने पड़ती तो है हो हो लेकिन मुझे एडवांटेज क्या मिलता है मैं पी खोल सकता हूँ मैं एम्प्लॉयर को डायरेक्टली सलाम कर सकता हूं बी एंड ऑलवेज अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस इट इज दर ओपनबी यू और मी एज अ फ्रीलांसर डू नॉट अ प्रिविलेज टू ओपन अ प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड सो व्हेन यू डू अ प्रीमियम बिड यू ऑटोमेटिकली गैट इंटाइटल्ड टू सेंड योर एम्प्लॉयर अ मैसेज खतों कताबत शुरू हो गई बाद में तो कम्युनिकेशंस के लिए और इस पर हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके सो फॉर यू टू डिटर्मिन वेन टू पुट अ प्रीमियम बेड इट इज़ हाईली इम्पेटिव कि आप प्रोजेक्ट की प्राइस देखेंगे और उसके साथ उस प्रोजेक्ट पे जिस पे आप समझते हैं कि मैं पहले सलाम कर दूं And I convince employer through my communication skills that I am the right candidate for your job. That is where you put the premium bed on a project.